हेलो, मैं शोभना हरसोला आपके लिए सिक्स का एक पेपर लेके आई हूँ। जो बच्चे अभी सिक्स का न्यू सेशन शुरू हुआ है उनके लिए एग्ज़ाम अब शुरू होने वाली है। तो जितने आप मल्टीपल चैप्टर के थ्रू जाना एक अलग बात होती है, बट अलग अलग क्वेश्चंस चैप्टर के साथ करना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप मेरे साथ में रोज एक एक पेपर सॉल्व करने की हैबिट डाल सकते हैं एंड कमेंट्स में लिख सकते हैं कि और आपको क्या हेल्प चाहिए। आज मैं एक ये पेपर ले रही हूँ, इसमें है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें हमारे पास में चार ऑप्शन है, एक है नन ऑफ दिस, दूसरा है बी, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी। देखो सारे के सारी पहले तो यहाँ पे 8 डिजिट नंबर ही दिख रहे हैं, दैट मीन्स वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड देन लाख एंड देन 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। पर क्या है क्वेश्चन, ये भी करोड़ का है, ये भी करोड़ का है एंड सारे असेंडिंग ऑर्डर में ही है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर बोला है, पर ये स्टार्ट किससे हो रहा है, 8 डिजिट से। तो ये स्टार्टिंग और क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट। तो अगर हम ये वाला नंबर देखते हैं तो ये हमारा होता है 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद में उससे बड़ा नंबर है हमारा, यहाँ पे कॉमा लगा लो। तो आपको पढ़ने में हमेशा जब भी बड़े नंबर आप पढ़ रहे हो तो यू पुट द कॉमास, तो आपको ये पीरियड पता चल जाता है, ये वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड का पीरियड है, ये लाख का पीरियड है, ये करोड़ का पीरियड है, ठीक है। तो 1 करोड़ एंड 1, यहाँ पे भी हम कॉमा पुट कर देते हैं एंड देन 1 करोड़, 2, 1 करोड़, अगेन यू पुट द हियर कॉमास एंड 1 करोड़, 3 एंड 1 करोड़ 4। एनी कोई डाउट तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं आपको समझा भी दूंगी। क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये भी 1 करोड़ 1 है, ये भी 1 करोड़ 2 है, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 5, पर क्वेश्चन में बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। स्टार्टिंग कहाँ से है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट, और 8 डिजिट नंबर होता है 1 करोड़। सो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द ग्रेटेस्ट। अगर हम देखें इसमें विच इज़ द ग्रेटेस्ट, तो हमारे सबसे पहले क्योंकि नंबर्स हमारे पास में हैं तो ये पुट द, कभी भी मैथ्स में आप ओवर कॉन्फिडेंट होके कभी मत करना, पुट द कॉमास। कॉमा जैसे पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर के डिजिट है। अब ये देखो ये चार नंबर है, ये 5 नंबर्स की डिजिट है, ये भी 5 नंबर्स है, ये भी 5 नंबर्स है, तो ये तो हमारी कैंसिल हो गई। अब हमें बोला विच इज़ द ग्रेटेस्ट, तो पर यहाँ पे सभी जगह पे 2 है, तो हमें 2 को भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि 2 है। तो अब हमें नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 3 है। अब 3 में हमें यहाँ पे 3 है तो दैट मीन्स ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब ये दोनों 4 ग्रेटेस्ट पूछा है तो नेक्स्टली हम एक के बाद एक नंबर को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 24 24। अब हम कौन सी प्लेस देखेंगे 100 की, तो ये वंस, टेंस एंड 100, तो कौन सा बड़ा हुआ इसमें, नेचुरली हमारा ये नंबर बड़ा हुआ। तो इस तरह से ध्यान से जब आप करोगे, अब देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग होता है जब हम करते हैं फटाफट फटाफट करने की कोशिश करते हैं तो हम गलती क्या कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम नंबर क्या देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 24,567 है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, लुक एट हियर ऑप्शंस में अगर आप देखोगे 24,500, अब 500 के साथ में यहाँ पे 69 है, यहाँ पे नंबर ही चेंज है, ठीक है। अब दूसरा है 23,787, ये है जो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब 24,657, अब ये हमने चूज़ किया था, गलतियां हमें कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैथ्स में बिल्कुल ध्यान से। अगर एग्ज़ाम के पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो एग्ज़ाम में वेल कॉन्फिडेंट होकर के जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहेगा और नर्वसनेस भी नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ सी, क्योंकि 24 और पुट द कॉमा 657, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर, एनी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में कर सकते हैं। अब हम तीसरा नंबर लेते हैं, अब दैट इज़ जो हमेशा मैं कहती हूँ इंसर्ट द कॉमास,
क्योंकि मैथ्स में जब बड़े नंबर स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना, फिफ्थ एंड सिक्स से जब होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हर नंबर बच्चों को होता है, स्पेशली इंटरनेशनल सिस्टम में। अब ये उसी का ही क्वेश्चन है। इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड द राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यूमरेशन? न्यूमरेशन का मतलब होता है कि जो हमारा इंटरनेशनल का सिस्टम है उसमें नंबर्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं या कैसे लिखते हैं। तो इंसर्ट द कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमारे पास में क्या है, ये नंबर दिया हुआ है। क्या है नंबर? अब देखो हमारा जो नंबर होता है ये वाला नंबर है, ठीक है। अब हम इसमें अगेन पुट द कॉमा बोला है तो पहले यहीं पे कॉमा डाल लो। वंस टेंस हंड्रेड वंस का पीरियड हो गया। फिर इंटरनेशनल में हमारे तीन पीरियड होते हैं, थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड, पुट द कॉमा। नाउ वी अगेन पुट हियर, अब हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे मिलियन होता है, मिलियन एंड टेन मिलियन, तो हमने ये कॉमा डाल दिया। अब ये कॉमा डाल दिया तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा यहाँ पे तो करेक्ट है, ठीक है। अब हमने तीन कॉमा, इंडियन सिस्टम में हमें दो कॉमा होता है क्योंकि वहाँ पे लाख होता है, लाख का थाउजेंड में भी दो होता है, लाख में भी दो होता है, करोड़ में भी दो होता है, पर यहाँ पे हंड्रेड थाउजेंड होता है एंड हंड्रेड थाउजेंड इक्वल्स टू वन लाख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 78,921,092। अब इसमें क्या बोला है, अब हमें देखो कहाँ पर है, पहले तो यहीं पर ही डाल लो तो आपको मैच करना ईजी हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे ये इंटरनेशनल नहीं है, ये इंडियन सिस्टम है हमारा, ठीक है। ये हमारा इंडियन सिस्टम है क्योंकि ये वंस पीरियड है, ये थाउजेंड पीरियड है और ये हमारा लाख का हो गया, ये करो का है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब दूसरा है ये कॉमा तो बिल्कुल गलत है क्योंकि फर्स्ट कॉमा वंस के पीरियड में, वंस के पीरियड में हमारे तीन कॉमास और तीन नंबर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वंस के पीरियड में? हमारा होता है वंस, फिर दूसरा नंबर होता है हमारा टेंस और तीसरा नंबर होता है हंड्रेड्स। ये तो यहाँ पे सिर्फ वंस एंड टेंस है तो ये तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस। पहले हमें ये देख लेते हैं ये है या नहीं। यस दिस वन इज वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड एंड देन मिलियन एंड टेन मिलियन, तो परफेक्टली ये नंबर हमारा सही जा रहा है। तो जब भी आप किसी नंबर को देखोगे तो उसे समझने की कोशिश करो कि पहले क्या बोला है, तो इसी क्वेश्चन में ही देख लो, कॉमा डाल लो एंड नंबर को चूज़ करो। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमसे गलतियाँ होती हैं। अब इसी तरह से हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द सम ऑफ दिस। अब क्या बोला है, व्हाट इज़ द सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब होता है एडिशन का आंसर। एडिशन में ये नंबर एडेंट से होते हैं, एडेंट, और ये भी एडेंट होता है, और इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है, उसको हम कहते हैं सम। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे, और कभी भी ये जब आप एग्ज़ाम देते हो तो रफ वर्क में जरूर करने की आदत डालो कि ताकि आप ये एक बार चेक कर सको कि आपने नंबर सही प्लस किए हैं या नहीं किए हैं। सेवन प्लस थ्री इज टेन, अब यहाँ पे ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन इज थर्टीन, वन वी राइट हियर एंड व्हाट इज आंसर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस फाइव सिक्सटीन, सिक्सटीन एंड हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखो अब यहाँ पे जल्दबाजी में अगर ऐसे कोई बच्चा गलती करता है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चा घबरा जाएगा, नंबर नहीं देखा उसने, और यहाँ पे हमारा 500, और मोस्टली बच्चे गलती यही करते हैं। अब हमारा गया 40, बच्चे घबरा जाएंगे, अरे मेरा तो आंसर मिल ही नहीं रहा है, ये गलत है, ये है, पर उसको अपने नंबर को पहले चेक करना है कि क्या सही लिखा है या नहीं लिखा है। 5, 6, 7 या राइट है। नाउ 8, 4 एंड 3, अब उसने सही लिखा है या नहीं, यस yes। अब हमने यहाँ पे किया 1 आ गया, यहाँ पे किया 14 आ गया, तो आर आंसर इज सी। और मोस्टली बच्चे ये कैलकुलेशन में गलती करते हैं कि गलती, फिर वो घबरा जाते हैं और उनके सारे दूसरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें सबसे पहले वो अपना नंबर चेक करें कि वो सही लिखा है या नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, अब इसमें सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, पुट द कॉमास, तो आपको डिजिट का क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये सारी थाउजेंड्स की है बट दिस वन इज़ अ टेन थाउजेंड है, तो नेचुरली अब यही सबसे बड़ा हुआ
और ये सबसे छोटा हुआ, क्योंकि इसमें 5 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। 5 डिजिट का मतलब होता है जो नंबर जिसमें हम बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000 होता है, दैट इज़ अ 5 डिजिट नंबर। और जिसमें वंस, टेंस एंड हंड्रेड होता है वो 3 डिजिट नंबर। जिसमें टेंस एंड ओनली वंस होते हैं वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। और जिसमें ओनली वंस होता है, ओ का मतलब होता है वंस, टेंस का मतलब होता है यहाँ पे वंस, और इसका मतलब हो गया टेंस। मतलब जिसमें सिर्फ 2 नंबर होते हैं, जैसे हमने बोल दिया 14, तो दैट मीन्स 2 डिजिट नंबर। 124, दैट इज़ अ 3 डिजिट नंबर। ये 4 डिजिट नंबर, और ये हो गया आपका 5 डिजिट नंबर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए, क्योंकि यहाँ पर अब देखो, अगर हम बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, ए देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। पर फिर जब घर पे आते हैं, चेक करते हैं, तो सिर पिट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंबर को ध्यान से देखा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 12,202 है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 12,002 है। यहाँ पर है कि 124। अब दूसरा नंबर क्या है, 12,202 है, और पर यहाँ पे 7,600 है। तो अभी कौन सा सही होगा? नन ऑफ दिस होगा, पर मोस्टली बच्चे इस पे टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि घबराहट होती है मैथ से, सभी बच्चे वैसे ही डरते हैं, यहाँ पे कर देंगे वो। ठीक है, आज मैं 5, चलो एक और ले लेते हैं। ठीक है, नाउ मेज द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हम एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं कैलकुलेशन के लिए। एस्टिमेशन मीन्स, अगर आप देखोगे तो राउंड ऑफ नंबर कहते हैं नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000। तो इसी तरह से एस्टिमेशन होता है। अब एस्टिमेशन का मतलब होता है कि अगर मैं 5 रुपये की कोई चीज़ लेने जा रही हूँ मार्केट में, तो मैं 5 ही रुपये तो नहीं लेके जाऊँगी ना, कभी बहुत कम बार होता है। समझ करो 7 रुपये की चीज़ है कोई, तो मैं 10 रुपये लेके जाऊँगी, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो पता नहीं चलता है कभी, तो हम पैसे थोड़े से ज़्यादा लेके जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट मेशन। ठीक है, तो अब एस्टिमेशन का मतलब होता है रफ कैलकुलेशन। तो हम इसको ए से हमने इसको मिला दिया। फिर क्या है, बिलियन एंड मिलियन। अब ये बिलियन एंड ये किस में होते हैं, मिलियन, मिलियन एंड बिलियन किस में होंगे, नेचुरली इंटरनेशनल सिस्टम में है ये, तो इसको हम मैच कर देंगे मिलियन एंड बिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में। अब करोड़ किस में होता है, करोड़ होता है हमारा इंडियन सिस्टम में, तो हमने इसको इंडियन सिस्टम में कर दिया। अब क्या बोला है, 9,090। अब ये हमारा क्या है, ये देखो यहाँ पे भी एक अगर आप देखोगे तो क्या बोला है, 9,030 बोला है। अब देखो यहाँ पे 9, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे है 9,030। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो 90,030 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मिस्टेक है 90,030, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप समझाने का तरीका मेरा, तो थैंक यू फॉर आपने वॉच किया इसको, एंड कुछ अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं और इस तरह के पेपर लेते आऊँगी। आप जितने पेपर करोगे मैथ्स के उतना आपके लिए अच्छा होगा, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स हैं, तो आप करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।